अभी हम लोग हैं मोतिहारी के गाजा चौक पे। मोतिहारी एक बहुत ही डेवलप्ड शहर है, जो जहाँ से महात्मा गांधी अपने आंदोलन की शुरुआत किए थे, चंपारण से। अभी हम लोग चंपारण में उपलब्ध हैं और चंपारण में हमारे साथ उपलब्ध है यहाँ का सबसे फेमस चौक गाजा चौक। गाजा चौक आए और इनके यहाँ का समोसा और जो जलेबी है, ये अभी जो दिख रहा है, ये इसका आनंद नहीं लिए तो फिर क्या लिए। तो ये गाजा चौक है और इस गाजा चौक का फेमस ये शॉप है और ये बहुत ही पुरानी दुकान है। भैया, ये हमारे साथ भैया है जो उपलब्ध है अभी। भैया, ये शॉप जो है, ये आपका कितने वर्ष पहले से आप लोग यहाँ पे ये शॉप लगाते हैं? आपके पूर्वजों के द्वारा यहाँ पे स्टॉल लगाया जा रहा था। लगभग कितना वर्ष हो गया होगा? 60-70 साल लगभग? 45-50 साल। लगभग 50 वर्षों से लगाया जा रहा है यहाँ पे ये शॉप, और इनके पूर्वजों के द्वारा लगाया जा रहा था। पहले इनके पिताजी लगाते थे, उनके दादाजी लगाया करते। और यहाँ का गाजा जो है, गाजा इनके यहाँ का बहुत फेमस है। गाजा भी है आपके पास उपलब्ध? इनके पास गाजा भी उपलब्ध है। इनके यहाँ का गाजा बहुत फेमस है। गाजा के नाम पे इस चौक का नाम गाजा चौक रखा गया था। और अभी यहाँ पे उपलब्ध है ये गाजा। ये यहाँ एक पीस ज़रा निकालिएगा, गाजा एक पीस ज़रा, हाँ, छेना वाला गाजा ज़रा निकालिए। और आपके सामने ये जो दिख रहा है, ये छेना की जलेबी है और ये समोसा है जिसके अंदर खोआ भरा हुआ है। और यहाँ के समोसा और गाजा के लिए ये स्पेशल दुकान उनके स्पेशलिस्ट होता है। ये बहुत ही पुरानी शॉप है यहाँ पे। जैसे ये आपका गाजा हो गया, ये आपका गाजा, ये स्वीट होता है, बहुत ही स्वीट होता है। और काफ़ी इतना लजीज होता है, इसका स्वाद इतना लजीज होता है, मतलब यहाँ आए और ये गाजा और समोसा नहीं खाए तो फिर आप कुछ नहीं खाए मोतिहारी का। मतलब इतना लजीज टेस्ट होता है इस दुकान का। और बहुत पुरानी इनकी जो विश्वसनीयता है अपने ग्राहकों के प्रति, ये आज भी बरकरार है। आज भी ये दुकान वैसे ही है और वही टेस्ट है। सबसे बड़ी बात है कि वही टेस्ट आज भी दुकानदार इस दुकान में बरकरार है। भैया, आपका नाम क्या हुआ? दीपू जी। अगर मोतिहारी कभी भी आना हो तो दीपू जी का गाजा, इनका समोसा और इनका जो जलेबी है, लाजवाब और लजीज लगता है। इसका आनंद आप जरूर लें। धन्यवाद।